नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, ध्यान देना और ध्यान से समझना। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे अनुनासिक व्यंजन संधि की। अनुनासिक व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि माँ के बाद में, यदि माँ के बाद में क्या आ जाए, का से लेकर भातक का कोई वर्ण आ जाए लेकिन न को छोड़कर, तो इस माँ का अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाता है, अनुस्वार भी और पंचम वर्ण भी। ये नियम चल रहा था अनुनासिक व्यंजन संधि के। मैंने आपको बताया था तीन भेद कर देते हैं हम, जिसमें सबसे पहला भेद था कि माँ के बाद में का से लेकर भातक का कोई वर्ण आता है तो माँ का अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाता है। इसमें कुछ उदाहरण हम लिख चुके थे पिछली कक्षा में, उसके आगे के उदाहरण अब लिखते हैं हम यहां। यहां ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिखा सम धन चार, अब मैं के बाद में क्या आ रहा है, चे आ रहा है, तो इस मैं का अनुस्वार भी हो जाएगा और इसका पंचम वर्ण भी हो जाएगा, अनुस्वार भी बनेगा और पंचम वर्ण भी बनेगा। लेकिन पंचम वर्ण बनेगा तो मैं का ही बनेगा, किसके वर्ग का, चे के वर्ग का, तो मैं का अनुस्वार भी होगा पंचम वर्ण भी होगा। बिल्कुल रीट की भी क्लासें बहुत जल्दी लगने वाली हैं, बिल्कुल नहीं घबराए। श्रम धन चार मिला के लिखा तो क्या बना, संचार। अब मैं का अनुस्वार हो गया, नहीं हुआ, मैं का पंचम वर्ण भी होगा लेकिन किसके वर्ग का होगा, चय के वर्ग का, और चय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, यहां होता है। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, संचार बना। तो मैं के बाद में क्या आ रहा है, चे आ रहा है, तो मैं का अनुस्वार भी और पंचम वर्ण भी हो जाता है। इसी प्रकार और समझिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा सम धन चित, सम धन चित, अब मैं के बाद में क्या आया, चे, तो इस मैं का अनुस्वार भी हो गया और इसका पंचम वर्ण भी बना। जब मिला के लिखा तो क्या बना, संचित बना। कैसे बना, मैं के बाद में चे आने पर मैं का अनुस्वार हो जाता है, पंचम वर्ण भी होता है लेकिन किसके वर्ग का, चे के वर्ग का। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, संचित बना। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विशाल यादव जी, क्लास वही होगी, एक बार सर्च करना। अगला क्या है, मैं के बाद में, अब क्या लिख दिया मैंने, जावण लिख दिया, सम धन जीवनी। अब मैं के बाद में जावण आ रहा है तो इस माँ का अनुस्वार भी हो जाएगा और पंचम वर्ण भी बनेगा। तो मैंने लिखा सम धन जीवनी, संजीवनी ऐसे भी लिख सकते हैं, और संजीवनी चय के वर्ग का पंचम वर्ण बना के भी लिख सकते हैं, ये भी सही होता है। ये भी विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार और समझिए, सम धन तोष, मैं के बाद में तैवण आया तो इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, संतोष लिखेंगे। पंचम वर्ण बनेगा तो तय के वर्ग का बनेगा, जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, संतोष लिखा जाएगा। तो अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाता है। तो ये भी आपको विशेष, किसके वर्ग का, अगले वर्ण का, अगला वर्ण क्या आ रहा है इसमें, तय आ रहा है तो तय वर्ग का पंचम वर्ण नहीं होता है, इसलिए संतोष लिख दिया। इसी प्रकार और समझिए, सम धन देह, सम धन देह, अब मैं के बाद में क्या आ रहा है, देवण आ रहा है तो मैं का अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाएगा, सम धन देह, संदेह ऐसे भी लिख सकते हैं और सम धन देह इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये बात भी आपको विशेष निकल। राकेश बाकरा जी, बिल्कुल आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, बिल्कुल मैं सर तक आपकी सूचना अवश्य पहुंचाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, पूरा पढ़ाई पर ध्यान फोकस कीजिए। अब समझिए आगे, तथा अब इसी प्रकार सम धन धारण, मैं के बाद में धैवण आया तो मैं का भी अनुस्वार हो गया और पंचम वर्ण भी होगा, तो पंचम वर्ण बनेगा अगले वर्ण का, तो सम धन धारण क्या हुआ, संधारण, पंचम वर्ण बनेगा तो धै के वर्ग का न होता है, मिला के लिखा तो क्या बना, संधारण बना। कैसे बना, यह भी आपको अच्छे से समझना है।
विशाल यादव जी, इस क्लास के बाद में आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उससे आपको समस्या नहीं रहेगी, आपको मिल जाएगी क्लास, ठीक है ना। इजी स्टडी 24, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपको संपर्क करना है, संपर्क नहीं हो रहा, तो क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में, इसी आज वाली क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल ना घबराए। खुशी राम गुजर जी, उत्त धन श्वास उच्छ्वास बनेगा, तय का छय और सह का छय हो जाता है इस प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद जय बालाजी। आगे समझिए, समधन धारण संधारण, मैं का अनुस्वार भी हो गया, मैं का पंचम वर्ण भी हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। अब समझिए आगे, सम धन, अब इसके बाद में क्या रहा है, तय वर्ग आ गया, अब ले लेते इसमें पै वर्ग, सम धन पूर्ण मिला के लिखेंगे तो अनुस्वार बनेगा, क्या बनाएंगे, संपूर्ण। पंचम वर्ण बनेगा तो पै के वर्ग का बनेगा, जब इसको मिला के लिखेंगे तो संपूर्ण बनेगा, तो सम धन पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे समझिए, ऋतु में कौन सी संधि है, अरे मदनलाल जी, ऋतु धन उ ऋतु, ठीक है ना, उ और उ दीर्घ उ बनते हैं, सम धन पूर्ण संपूर्ण। इसी प्रकार और समझिए, जैसे मैंने लिखा गम धन गा, मैं के बाद में गय आया तो मैं का अनुस्वार भी बना दिया और पंचम वर्ण बनेगा गय के वर्ग का, तो इसको कैसे लिख देंगे, गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं और गंगा को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब और समझिए, सम धन भव, मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अनुस्वार लगाया तो संभव हो गया, पंचम वर्ण बनेगा तो अगले वर्ण के वर्ग का, भय के वर्ग का वर्ण पंचम होता है, मैं मिला के लिखा तो क्या हो गया, संभव हो गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। महेंद्र कुमार पूछ रहे हैं, सर उसने शब्द का क्या होगा, इसका कैसे होगा मेरे दोस्त, हर किसी शब्द का नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो ध्यान क्या रखना है, माँ के बाद में का से लेके भातक का कोई वर्ण आए लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, तो माँ का अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाता है। अब समझिए, इसके बाद समधन भव संभव हो जाएगा, समधन भव संभव हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद में अनुनासिक व्यंजन संधि का ही दूसरा नियम है कि माँ के बाद में क्या आ जाए, मां या ना वर्ण आ जाए तो मां का क्या हो जाता है, मैं का अगले वर्ण जैसा रूप हो जाता है, मां का अगले वर्ण जैसा ही, अगले वर्ण जैसा रूप हो जाता है, रूप हो जाता है। देखिए, मैं के बाद में मैं आ जाए तो मैं का मैं हो जाएगा, मैं के बाद में न आ जाए तो मैं का न हो जाएगा, कैसे होगा, बहुत अच्छे से समझना, ये दूसरा नियम लिख रहे हैं, अच्छे से समझिए, ठीक है, ध्यान देना। देखिए इसमें अच्छे से, अनुच्छेद में रायचंद्रम जी, अनुधन छेद है, यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आ जाए, स्वर और छह के बीच छह का आगम हो जाता है, जिसकी हम अभी आगे भी चर्चा करेंगे। तो देखो, मैंने लिखा यहां पर सम धन मान, अब मैं के बाद में मैं वर्ण आ रहा है तो इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा क्या, नहीं, इस मैं का अगले वर्ण जैसा ही रूप हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो सम्मान बनेगा। अब इसको आप संयोग मत जाना जितेंद्र जी, बिल्कुल पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर मिल जाती है, ठीक है ना, ठीक है। खुशीराम गुजर जी, तत् धन लीन तल्लीन होता है, ठीक है ना, तत् धन लीन तल्लीन। देखिए, मैं के बाद में मैं आ रहा है, मैं ही बन रहा है, अब इसको संयोग मत समझ जाना, क्यों, क्योंकि समझना ध्यान से, ध्यान दे रहे हो ना, देखो, क्योंकि ये प्रकृति भाग वाला जो नियम बताया था उसके अनुसार है, ये प्रकृति भाव वाला नियम, मैं के बाद में मैं आ रहा है तो मैं का भी मैं बना। अब इसके बाद में देखिए, सम धन मोहन,
मैं के बाद में मैं आया तो मैं का भी अगले वर्ण जैसा रूप हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, सम्मोहन बनेगा। तो सम धन मोहन, सम्मोहन। इसी प्रकार सम धन निकट, सम धन निकट। मैं के बाद में न आया तो मैं का भी क्या हो गया, न हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, सन्निकट बना। सम धन निकट, सन्निकट। सम धन निहित, सम धन निहित। मिला के लिखेंगे तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। होगा क्या, नहीं, मैं का अगले वर्ण जैसा रूप होगा। समधन निहित, सन्निहित होगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक समस्या जो आती है, अच्छे से समझना। हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष वाले टेलीग्राम पर ही मिलती है, ठीक है ना। उत्कर्ष स्कूल टेलीग्राम का, स्कूल का टेलीग्राम है जो उत्कर्ष क्लास है का, जो उत्कर्ष स्कूल वाला, उसमें देखना, अवश्य मिलेगी। देखो, समधन निहित, सन्निहित हो गया। अब देखो, एक शब्द होता है सन्यासी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। समधन न्यासी, जब इसको लिखेंगे तो मैं के बाद में न वर्ण आ रहा है तो मैं का भी क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो समधन न्यासी, सन्यासी ऐसे भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, सन्यासी का ये रूप भी प्रचलन में है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं के बाद में क्या आ जाए, मैं या न वर्ण आ जाए तो मैं का भी अगले वर्ण जैसा ही रूप हो जाता है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। सर जी, लघु का विलोम क्या होगा, दीर्घ होगा। लघु का दीर्घ, गुरु कह देते हैं इसे, ह्रस्व का दीर्घ होता है, ह्रस्व का दीर्घ और लघु का गुरु हो जाएगा। ह्रस्व का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और लघु का गुरु हो जाता है, लघु का गुरु हो जाता है, ये ध्यान रखना। ह्रस्व का दीर्घ और लघु का गुरु हो जाता है, बिल्कुल रामकिशन जी, बिल्कुल उपयोगी है। श्रृंगार का गलत लिख रखा है महेंद्र कुमार जी, श्रृंगार जो आपने लिख रखा है ये गलत लिख रखा है, श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। तत्सम शब्द है, इसका नहीं बनेगा, ठीक है ना, हर शब्द में नहीं होती संधि। तो ये कौन सी हो गई, मैं अथवा नए के बाद मैं या नए आए तो मैं का भी अगले वर्ण जैसा रूप हो जाता है। नैन सिंह राठौर जी, स्वागत, अभिनंदन है आपका। अगला जो रूप है इसका तीसरा, वो कौन सा है, यदि मैं के बाद कौन कौन से वर्ण आ जाए, ये रे ले वे, तीनों से और है, तो इस मैं का क्या होता है, मैं का सिर्फ अनुस्वार ही होता है। मैं का क्या होगा, अनुस्वार ही होता है, ये भी आपको बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान देना है। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। मैंने लिखा सम धन यम, मैं के बाद में अनुस्वार आ रहा है, मैं के बाद में यह आ रहा है तो मैं का सिर्फ क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। सम धन यम, मैं के बाद में क्या क्या आ जाए, सन्यासी ये नहीं होता, सन्यासी में दो ने आएंगे, अनुस्वार भी और पंचम वर्ण भी, ठीक है ना, ध्यान रखना। संदीप सुधा जी, स्वागत, अभिनंदन है आपका, ठीक है ना। संधि का विलोम क्या होगा सर जी, दीनदयाल जी, संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है, संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है, समास का विलोम व्यास होता है, ठीक है ना, आगे समझिए। तो सम मैं के बाद में यह आया तो मैं का सिर्फ क्या बनेगा, मैं का सिर्फ अनुस्वार ही बनेगा। तो सम धन यम क्या बना, संयम बना, ध्यान रखना, अच्छे से समझना, ठीक है ना। शुक्ला जी स्वागत है आपका भी, आगे समझिए। सम धन यम, संयम। सम धन योग, मैं के बाद में क्या आ गया, यह वर्ण आ गया तो इस मैं का भी क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, संयोग बनेगा। तो ये, अब इसके अलावा और समझिए, सम धन रचना, मैं के बाद में रे वर्ण आया तो मैं का सिर्फ क्या हुआ, अनुस्वार ही हुआ। मिला के लिखा तो क्या बना, संरचना बना। तो सम धन रचना, संरचना होता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, भगवान करे
आप सफल हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आगे देखिए सम धन रूप, मैं के बाद में क्या आ गया, रेवण आ गया, तो इस मैं का भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, समरूप बनेगा, ये भी विशेष ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखिए सम धन लेख, मैं के बाद में ले आया तो मैं का भी क्या बनेगा, ले बनेगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, संलेख बनेगा। इसी प्रकार समधन लिखित मैं का क्या होगा, अनुस्वार होगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, समलिखित बनेगा। तो समधन लिखित क्या हो गया, संलिखित हो गया, ये भी ध्यान रखना। अरे मोनिका नहीं पढ़ रही है, क्यों नहीं पढ़ रही हो मोनिका जी, नहीं पढ़ोगे तो फिर आप में डांट पड़ेगी और आपको होमवर्क का बोझ लाद दिया जाएगा, तो इतना होमवर्क दे दिया जाएगा, गृह कार्य आपको इतना दे दिया जाएगा, फिर आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बात नहीं, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना, आगे समझिए। तो मैं के बाद में ये रे और ले आने पर मैं का सिर्फ क्या बना है, अभी सिर्फ अनुस्वार। अब आगे देखिए समधन विधान, सम धन विधान, मैं के बाद में क्या आया, वह आया, तो मैं का सिर्फ क्या बनेगा, अनुस्वार ही बनेगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, संविधान बनेगा। इसी प्रकार स्वयं धनवर, स्वयं धनवर, मैं का क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, स्वयंवर बनेगा। तो ये कैसे हो रहा है, मैं के बाद क्या आने से क्या हो रहा है, मैं के बाद में यरे लेवे आने पर मैं का सिर्फ क्या बना, अनुस्वार ही बना, विशेष ध्यान से समझना। स्वयंवर का उमा सिंगल जी बता दिया मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखना। राजन मीना जी नहीं, अभी नहीं, पढ़ने दो अभी इनको। स्वयं धनवर क्या होगा, स्वयंवर बनेगा। अच्छोहिणी इसमें नहीं आएगा, अपवाद में आया था, मैंने बताया था, अच्छ धन उहिनी अच्छोहिणी, ए और उ मिलके ओ बनने चाहिए थे, औ बना, इसलिए ये क्या है, अपवाद था, ठीक है ना, ध्यान देना। ये व्यंजन संधि चल रही है, व्यंजन संधि कर रहे हैं शुक्ला जी हम। आगे लिखिए यरे लेबे, अब आएगा स, सम धन श, मैं के बाद में कौन सा से आ रहा है, तालव्य से आ रहा है, तो मैं का सिर्फ क्या बनेगा, अनुस्वार ही बनेगा। मैं के बाद में कौन सा से आ गया, दंत से आ गया, तब भी इसका क्या बनेगा, अनुस्वार ही बनेगा। सम धन सार संसार, इसी प्रकार मैं के बाद में क्या आ जाए, हेवन आ रहा है, तो मैं का भी क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, संहार बनेगा। संहार का अर्थ होता है मारना। समधन हृत, मैं के बाद में है आया, तो मैं का भी क्या बना, अनुस्वार बना, मिला के लिखा तो क्या बना, संहरित बना, संहरित। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यदि मैं के बाद में यरे लेबे तीनों से या हेवन आ जाए, मैं का सिर्फ क्या बनता है, अनुस्वार ही बनता है, विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल कर्मा जी, बहुत बहुत भगवान करे आपको सफलता मिले, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सम के अलावा होता है क्यों नहीं होता, लिखा है ना, सम है, इसके अलावा स्वयं भी लिखा है, जो जो है सब है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ये अनुनासिक व्यंजन संधि थी, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके बाद में अगली संधि। तो ये तीसरी संधि थी, इसके बाद में चौथा इसका जो भेद होगा वो कौन सी संधि होगी, च आगम संधि होगी। अगली जो संधि है कौन सी है, च आगम संधि है। अब देखो च आगम संधि में क्या होता है, जैसा कि आप अभी पूछ भी रहे थे, अब समझना क्या होती है च आगम संधि, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल भजन लाल जी, बिल्कुल
अब समझिए आगे। अब यहां चय आगम में क्या होगा, चय आगम संधि क्या है, यदि किसी स्वर के बाद प्रारंभ में आ जाए कोई स्वर और उसके बाद में आ जाए छह वर्ण, तो स्वर और छह के बीच में किसका आगम हो जाता है, चय का आगम हो जाता है। प्रारंभ में तो कोई स्वर आ जाए और उसके बाद में छह वर्ण आ जाए तो स्वर और छह के बीच क्या हो जाता है, चय का आगम हो जाता है। इसलिए ध्यान से समझना, ध्यान देना इसका, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा वि धन छेद, मैंने यहां लिखा वि धन छेद, स्वर के बाद में छह वर्ण आ रहा है तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो जाएगा, चय का आगम हो जाएगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, विच्छेद बनेगा। तो स्वर के बाद में छह वर्ण आने के कारण स्वर और छह के बीच में किसका आगम हो जाता है, चय का आगम हो जाता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना, ठीक है। आगे समझिए विधन छेद विच्छेद, आगे देखिए अनुधन छेद, स्वर के बाद में छह वर्ण आ रहा है तो स्वर और छह के बीच में किसका आगम होगा, चय का आगम होगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अनुच्छेद बनेगा। तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो रहा है, चय का आगम हो रहा है। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। विनय जी सभी पूरा कंप्लीट कोर्स डलवा रखा है, एक बार आप रिफ्रेश जरूर कर लेना। अनुधन छेद अनुच्छेद, इसी प्रकार प्रतिधन छाया, प्रतिधन छाया, स्वर के बाद में छह वर्ण आ रहा है तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो जाएगा, चय का आगम हो जाएगा। छाया क्या हो जाएगा, प्रतिच्छाया, तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो रहा है, चय का। तो यदि किसके पास, यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आ जाए तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो जाता है, चय का आगम हो जाता है। इसी प्रकार और समझिए पितृधन छाया, पितृधन छाया, स्वर के बाद में छह वर्ण आ रहा है तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो जाएगा, चय का। उच्चारण का उत्धन चारण होगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा उच्चारण का उत्धन चारण, बिल्कुल। तो यहां पर क्या बनेगा, पितृच्छाया। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, पितृच्छाया बनेगा। तो स्वर और छह के बीच में किसका आगम हो रहा है, चय का आगम हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल, आच्छादन भी इसी में आएगा, सालाच्छादन भी इसी में आएगा, आधन छादन आच्छादन ढका हुआ सालाच्छादन भी इसी में आएगा। विशेष ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से समझना, ये बात समझ आ गई। अब बात करेंगे आगे, हाँ बिल्कुल, छाया प्रतिच्छाया, छाया की छाया प्रत्यक्ष प्रतिच्छाया कहलाती है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, विधायक का विच्छेद, अरे विधायी धन अक होता है, विधायी धन अक, आई का आय होने के कारण अयाद्य संधि होती है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, इसके बाद संधि के बाद में ही समास शुरू कर देंगे, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद में जो अगला भेद है पांचवा, इसका अगला जो पांचवा भेद है वो कौन सी संधि होती है, अगली जो हमारी संधि होगी मूर्धन्य व्यंजन संधि होगी, अगली जो संधि है वो कौन सी है, मूर्धन्य व्यंजन संधि है। और इस मूर्धन्य व्यंजन संधि के दो नियम होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन संधि के कितने नियम है, दो नियम है। दो नियम कौन कौन से होते हैं, पहला नियम है इसका यदि प्रारंभ में आ जाए मूर्धन्य से और उसके बाद में क्या आ जाए, तय या थय वर्ण आ जाए तो इस तय का तो हो जाता है टय और थय का क्या हो जाता है, ठय हो जाता है। इसका तो क्या हो जाएगा, टय, और इस थय का क्या हो जाएगा, ठय हो जाएगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान देना और ध्यान से समझना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अगर कोई ऐसी बात है तो मैं एक बार और चेक कराता हूं, बिल्कुल ठीक है ना। देखिए सह के बाद में तय या थय वर्ण आए तो सह का तय और सह के बाद में तय या थय आए तो तय का टय और थय का ठय हो जाता है। कैसे होगी, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया
दृश्य, बाद में क्या रहा है तैवर्ण, तो इस तय का क्या हो जाएगा तय हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, विशेष ध्यान से समझना, दृष्टि बनेगा, दृश धन्ति दृष्टि। इसी प्रकार शीर्ष धन ती, मूर्धन्य स के बाद में तैवर्ण आ रहा है, तो जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा सृष्टि बनेगा। तो शीर्ष धन्ति सृष्टि, दृश धन्ति दृष्टि होगा। अधीश में अधिधन ईश, अधिधन ईश होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, समझिए इसको। तो दृश धन्ति दृष्टि, सृष धन्ति सृष्टि। इसी प्रकार विरिस धन ती, अब क्या है मूर्धन्य स के बाद में तैवर्ण आ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा तय हो जाएगा। इसी प्रकार और समझिए, उत्कृष्ट धन तय, अब इसमें मूर्धन्य स के बाद में तैवर्ण आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस तय का भी क्या हो जाएगा तय हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा उत्कृष्ट बनेगा, उत्कृष्ट धन तय क्या बनेगा उत्कृष्ट बनेगा, यह भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो उत्कृष्ट धनते क्या बन गया उत्कृष्ट बन गया, इसका भी विशेष ध्यान रखना। परिष्कृत में परिधनकृत होगा, बिल्कुल, परि उपसर्ग के बाद में गुजर जी कृत धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो मूर्धन्य स का आगम हो जाता है, ध्यान से समझना। उत्कृष्ट धन उत्कृष्ट, आकृष्ट धनत आकृष्ट धन तय, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा आकृष्ट बनेगा, आकृष्ट धन तय आकृष्ट। एक थे का भी समझो, सस धन थे, मूर्धन्य स के बाद में थे वर्ण आ रहा है, तो इस थे का क्या हो जाएगा ठे हो जाएगा, इस थे का क्या बनेगा ठे बनेगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा षष्ठ बनेगा। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखने। विनय जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, बिल्कुल भी परेशान ना रहें, आगे समझिए। तो ये कौन सी संधि हो गई मूर्धन्य व्यंजन संधि, इसका भी विषय ध्यान रखना। अतिथि और शत्रु के बहुवचन बताइए, बहुत कंफ्यूजन है। यासीन मोहम्मद जी, अतिथि गण शत्रुजन कहते नहीं कहते, गण जन वृंद लोग जोड़कर क्या बना दिए जाते हैं एक वचन से बहुवचन बना दिए जाते हैं, तो कहते हैं ना अतिथि गण आ रहे हैं, आज हमारे गण घर अतिथि गण आ रहे हैं, ठीक है ना, अतिथि गण। आगे समझिए कौन सा नियम हो गया, पांच नियम हो गए, पांचवा नियम मूर्धन्य व्यंजन संधि का था, इसी का दूसरा नियम था। अभी तो हमने पहला नियम पढ़ा है मूर्धन्य व्यंजन संधि का, कि मूर्धन्य स के बाद क्या आ जाए तय या थे वर्ण आ जाए, तो इस तय का तय और थे का ठे हो जाता है, इसी का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है इसी का, ध्यान से समझना, ई या उ सब, यहां तो क्या आ जाए ई या उ, और इसके बाद में कौन सा स या थे वर्ण आ जाए, तो इस दंते स का मूर्धन्य स, दंते स का मूर्धन्य स और इस थे का ठे हो जाता है। तो ई या उ के बाद में स या थे वर्ण आ जाए, तो दंते स का मूर्धन्य स और थे का ठे हो जाता है। कमल किशोर रावत जी, रामायण में तीन संधि होती है, राम धन अयन, राम धन अयन, ए और ए मिलके आ बना दीर्घ स्वर संधि, ने का अणे बना व्यंजन संधि, और रामय धन अन रामायण अयादि संधि हो जाती है, ठीक है ना। प्राथमिकता में हमेशा दीर्घ रखनी है और उसके बाद व्यंजन रखनी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसका समझिए, जैसे ई या उ के बाद में स या थ आ जाए तो क्या हो जाता है, तो यहां पर समझिए मैंने लिखा विदन सम, प्रारंभ में क्या रही है ई, बाद में कौन सा स आ रहा है दंत स, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा दंत स का मूर्धन्य स हो जाएगा। विधन सम विषम, विदन साद, स्वर के बाद में स आ रहा है, यहां ई है बाद में स है, इसका कौन सा स होगा मूर्धन्य स होगा, मिला के लिखा तो क्या बना विषाद। तो विषम तो सम से भिन्न, विषाद दुख होता है, विषय ध्यान रखना।
सीताराम जयपाल, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हो? सर आपका नाम क्या है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, कैसे पूछ रहे हो ये? इसमें ऐसे पूछिए कि ऐसे कोई संज्ञा होती है, क्या कोई नाम होगा या कोई जाति होगी या कोई भाव होना चाहिए? इसमें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कर रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, विधन सम विषम, विधन साद विषाद, इसी प्रकार और समझिए, अनुदन संगी, प्रारंभ में उ आ रहा है, बाद में दंत से आ रहा है, दंत से का कौन सा से हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा, मिला के लिखा तो क्या बना, अनुसंगी। विषाद दुख को कहते हैं, विषम सम से भिन्न है, मतलब विपरीत हो जाता है, सम से भिन्न हो जाता है, बिल्कुल नी और दूसरे नी है और दुए में नी में और दू में विसर्ग आना चाहिए तब होगी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, अनुधन संगी अनुसंगी, और समझिए इसमें, सु धन समा क्या बनेगा, मूर्धन्य सह का दंत सह का मूर्धन्य सह बना के सुषमा बना, सुषमा का मतलब होता है अच्छा है, जो समा या पल, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है? इसी प्रकार और समझिए, जैसे सुदन स्मिता, सुदन स्मिता, प्रारंभ में उ आ रहा है, बाद में असमान स्वर है, दंत से अधूरा है, इसको अधूरा लिख दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, सुस्मिता बना, मिला के लिखा तो क्या बना, सुस्मिता बना, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अनुसंगी भी लिख दिया है, आगे समझिए, और इसके अलावा मैंने लिखा यहाँ विदन स्था, प्रारंभ में ई आ रही है, बाद में दंत से और थे है, दंत से का अधूरा मूर्धन्य से है और इसका ठे बना, मिला के लिखा तो क्या बना, विष्ठा बना, विष्ठा का अर्थ होता है बीट या मल, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना, अच्छे से समझना है, ठीक है? चतुष्पाद में विसर्ग है। अरे सुंदर पाल जी, देखो तो सही आप क्या कहना चाह रहे हो, निये और दुए में विसर्ग आएगा, और निये और दुए में विसर्ग होता है, और संधि भी विसर्ग ही होती है, एक बार नहीं कितनी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है, निर और दुर नहीं, निये और दुए होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? समझ लेना इसको ध्यान से। किस में मूल शब्द है, आगे समझिए, इसके बाद में विधन स्था क्या बना, विष्टा, प्रारंभ में ई आ रही है, बाद में स और थ वर्ण है, इस स का तो कौन सा स हो जाएगा, मूर्धन्य स, और थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्रतिष्ठा बनेगा। इसी प्रकार प्रतिधन स्थान, प्रारंभ में ई आ रही है, बाद में दंत स और थ आ रहा है, जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्रतिष्ठान बनेगा। तो प्रतिधन स्थान, प्रतिधन स्थान को मिला के लिखा तो क्या बना, प्रतिष्ठान बना। कैसे बना ये आपको समझ आ गया होगा, विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? आगे समझिए, सरकारी बुक कौन सी होती है, आगे लिखिए, प्रतिधनता प्रतिष्ठा प्रतिष्ठान अनुधन स्थान, अनुधन स्थान, प्रारंभ में हुआ रहा है, बाद में स या थ वर्ण आ रहा है, तो इसका मूर्धन्य स और थ का ठ हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अनुष्ठान बनेगा। तो अनुधन स्थान क्या हो गया, अनुष्ठान हो गया। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, तो ई या उ के बाद में स या थ वर्ण आए तो दंत स का मूर्धन्य स और थ का ठ हो जाता है, प्रतिष्ठान अनुष्ठान, ठीक है ना? प्रतिष्ठा, ये सब इसी के होते हैं, बिल्कुल। युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर, प्रारंभ में क्या आ रही है ई, बाद में क्या आ रहा है स और थ, जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा, क्या बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अब इसके अपवाद समझिए, मिष्टान नहीं होता, मिष्ठान गलत लिखा हुआ है, मिष्टान होता है मिष्टान। अब इसके देखो कुछ अपवाद भी हैं, अपवादों को ध्यान से समझो, जो अपवाद हैं इसके कौन कौन से हैं, विधन सर्ग, ई के बाद में दंत से आ रहा है, फिर भी इसका मूर्धन्य नहीं हुआ, इसलिए ये भी क्या है, अपवाद है। अनुधन सार,
अनुधनसार। उ के बाद में स आ रहा है, फिर भी इसका क्या नहीं हुआ, मूर्धन्य स नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। इसी प्रकार और समझिए, विधन स्थापित, ई के बाद में स और थ दोनों आ रहे हैं, फिर भी इसमें बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। विधन स्थापित क्या बना, विस्थापित बना, विधन स्थापित विस्थापित, और विधन स्थापन मिला के लिखा तो क्या बना, विस्थापन बना। इन अपवादों का विशेष ध्यान रखना है, मिला के लिखा तो क्या बना, विस्थापन बना। ये सब किसके हैं, ये इसके चारों अपवाद हैं, जो विशेष ध्यान रखने हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नोट करिए इनको। अनुधन स्थान, अनुष्ठान कहते नहीं क्या, कोई विशेष अनुष्ठान है आज, अनुष्ठान, अनुष्ठान है, विशेष अनुष्ठान है। रविधन स्थान नहीं होता अशोक कुमार जी, हर शब्द में मत बनाओ, अभिषेक का होगा, अभिधन शेख अभिषेक। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखने हैं। तो ई या उ के बाद में स या थ बनाया, दंते स का मूर्धन्य स और थ का ठ हो गया, विशेष अनुष्ठान रखा गया है, विशेष व्यवस्था प्रोग्राम रखा गया है, कहते नहीं कहते, हाँ बिल्कुल। सुंदरपाल जी प्रश्न पत्र में देखो, पुराने पेपर उठा के देखो, कितने सारे पेपरों में ये प्रश्न आया है। आप कह रहे हो भाई होगा नहीं, अगर आप निर्धन जन कर रहे हो, मिला के निर्जन लिख रहे हो, तो ये संयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये संयोग हो रहा है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। आगे समझिए, नियम से करके देखो, निय धन जन, विसर्ग से पहले या उ हो, बाद में घोषवर्ण हो, विसर्ग का रह हो जाता है। पेपर उठा के देख लो, पुराने जितने भी हैं सब में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से समझना। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना। रोजाना ही तो आता हूं। भूपेंद्र में पूछ रहे हैं, भूपेंद्र वैष्णव जी, भूप धन इंद्र, भूपेंद्र, भूप, भूप कहते हैं राजाओं के राजा, भूपेंद्र हैं, ठीक है ना। तो आगे समझिए, इसके बाद में ये कौन सा हो गया, मूर्धन्य व्यंजन संधि। अगली ये कौन सी संधि थी, मूर्धन्य के बाद थी, सॉरी हाँ मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य के दोनों नियम लिख लिए, एक तो कौन सा था, मूर्धन्य से के बाद तय थे आए, तो तय का टय और थय का ठय हो जाता है। इसके बाद दूसरा ई और उ के बाद में स या थ आए, तो दंत स का मूर्धन्य स और थय का ठय हो जाता है। अब इसके बाद में बात करेंगे ऋण की संधि की, इसके बाद में बात करेंगे ऋण की संधि की, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऋण की संधि क्या होती है, इसको भी ध्यान से समझना। यदि प्रारंभ में क्या आ जाए, री रे या स वर्ण आ जाए, उसके बाद कहीं भी नए वर्ण आ जाए, जरूरी नहीं प्रारंभ में, कहीं भी नए आ जाए, और री रे और स भी कहीं भी आ जाए, ध्यान रखना। मिष्टान में मिष्ट धन अन्न, दीर्घ स्वर संधि होगी, विशेष ध्यान से समझना। देखो तो मिष्ट धन अन्न, देखो री रे और स ये भी कहीं भी आ जाए, और ये नए वर्ण भी कहीं भी आ जाए, ने का अणे हो जाता है, विशेष ध्यान से। बिल्कुल अपवाद पेपर में क्यों नहीं आएंगे, पेपर में नहीं आएंगे तो कॉपी में क्यों लिखोगे, क्यों आएंगे किताबों में क्यों देते हैं, क्यों नहीं आते पेपर में, खूब आते हैं, कितनी बार अक्षरणी पूछा गया है, आते हैं क्यों नहीं आते, ठीक है ना। बिल्कुल रमेश चंद्र जी, आप तो खुद ही इतने समझदार हो, मोटिवेशन की आवश्यकता कहां महसूस होती है। आगे समझो, इसमें देखो मैंने लिखा त्रिधन ने, अब यहां त्रय में तय में री जुड़ रही है, बाद में ने आ रहा है, इस ने का क्या हो जाएगा, ने का अणे हो जाएगा, जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, त्रिड़ बना। इसी प्रकार कृष धन ना, मूर्धन्य स के बाद में ने आ रहा है, तो ने का क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा, जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, कृष्णा बनेगा। तो त्रिधन ने तृण, कृष धन ना कृष्णा। और समझिए, इसी प्रकार मैंने लिखा यहां रे, प्रधन नाम, रे के बाद में ने वर्ण आ रहा है, तो इस ने का भी अणे हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्रणाम बनेगा। इसी प्रकार परि, प्रधन मान, प्रधन मान, अब ने वर्ण देखो पीछे आ रहा है,
फिर भी इस ने का क्या हो जाएगा, अने हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्रमाण बनेगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, और समझिए इसमें, ठीक है। तो और प्रधान नाम प्रणाम, प्रधान मान प्रमाण, इसी प्रकार और समझिए परिधन नाम, परिधन नाम क्या बनेगा, परिणाम बनेगा, परिधन नाम क्या बना, परिणाम बना, और परिधन मान, परिधन मान मिला के लिखा तो ने का क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा, ने का क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, परिमाण बनेगा, परिधन मान क्या बना, परिमाण बना, यह भी विषय ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। सर आप शब्द का प्रयोग, अभिनव चौधरी जी आदर के कारण यदि आप किसी को पुकार रहे हो और उससे कह रहे हो अरे भाई तू यहां आ, जब उसको आदर दोगे तो क्या कहोगे, भैया आप इधर आओ, आदर के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल रामायण की भी बात करते हैं, लिखो यहां लिख देता हूं, रामायण शब्द में तीन संधि होती हैं, रामायण शब्द में तीन संधि होती हैं, कितनी संधि होती हैं, तीन संधि होती हैं, ध्यान से समझना, रामायण शब्द में तीन संधि कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होगी दीर्घ स्वर संधि, तीन संधि कौन कौन सी होंगी, राम धन अयन, ए और ए मिलके क्या बने, आ बने, जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, रामायण बना, ने का अणे हो जाता है रे के कारण, तो ए और ए मिलके आ बना, इसलिए यहां पर कौन सी संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है, इसको कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे, इस संधि को क्या नाम देंगे, दीर्घ स्वर संधि नाम देंगे, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि इसमें आ जाएगी। दूसरा समझिए, दूसरा है राम धन अयन, अब ने का अणे होने के कारण, ने का अणे होने के कारण इसको कौन सी संधि में रखेंगे, ये व्यंजन संधि होगी, इसको क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, इसका भी ध्यान रखना है। और तीसरे विकल्प की बात करें तो यहाँ रामय धन अन हो जाएगा, रामय धन अन मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, रामायण बनेगा, यहाँ कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी, इसको क्या नाम देंगे संधि को, अयादि संधि नाम देंगे। रामायण शब्द में कितनी संधि हो गई, तीन संधि हो गई, एक तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरी कौन सी संधि है, ये भी आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना, समझो इसको भी ध्यान से, उत और उत दोनों होते हैं, ठीक है, रामय धन अन रामायण, आई का आय होके क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। आकाश का अर्थ क्या होता है, आकाश का अर्थ आकाश होता है, आकाश खे को भी कहते हैं, नव को भी कहते हैं, ठीक है ना, समझो यहाँ पर। तो री रे और से के बाद में कहीं भी ने आता है, ने का अणे हो जाता है, ये भी विशेष ध्यान रखना, समझना आप आराम से। तृण का अर्थ तिनका होता है, तृण किसको कहते हैं, तिनके को कहते हैं, तृण तिनका को कहा जाता है। तो री रे और से के बाद कहीं भी ने वर्ण आता है तो ने का अणे हो जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, खुशी राम गुजर दी, सत धन शास्त्र सक्षास्त्र बनेगा, तय के बाद में से आने पर तय का छ और से का छ हो जाता है। तो आज के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।